आपण देखिपारे शिक्षा अनुसंधान जो यूनिवर्सिटी ओडिशा अच्छी आम से शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी जो स्टॉल लगी स्टॉल ले अच्छा किसी विशेष प्रस्तुति करे कौन कौन प्रदर्शन में सामिल कर अधिक आलोचना करवा सर जो आज शिक्षा समागम कार्यक्रम होग दे कौन कौन सर आप प्रदर्शन में सामिल कर देखु आज आम जो जातीय शिक्षा नीति तीन वर्ष जो पालन होची तार उपलक्षे आम चार पांचटा जिनस जोर देछु। प्रथम कथा हैला आमर जो भारत सरकार शिक्षा विभाग अंतर्गत जो इंडियन नॉलेज सिस्टम रही तार अंडर आम चारिटा प्रकल्प वर्तमान रे कार्य करूछु। प्रथम प्रकल्प होची आमर बही लेखिबा विशेषकर भारतीय भाषा रे तेणु आम षष्ठ सप्तम अष्टम पई गोटे छ मासिया प्रोजेक्ट रे ऑलरेडी आम बाहर करछु। एटा आपण देखुथिबे एटा षष्ठ श्रेणी पई ये बहीटा हूँ एटा सप्तम श्रेणी पई आउ ए बहीटा हूँ एटा अष्टम श्रेणी पई एथिरे आपण कहिबे कौन नुआ जिनसो आमे रखिचु एटी आपण देखिपारिबे मु आपण देखौछि प्रत्येक पृष्ठार आमे शेषरे आमे गोटे रखिचु एटा देखंतु ए जिनसो जे भारतीय ज्ञान परंपरा ओ विज्ञान जहाँ तो आम लिखिचु माने जोटा आम एनसीईआरटी आधारित से जिनसर ओडिया करिचु ता बाद प्रत्येक चैप्टर रो शेषरे आम भारतीय ज्ञान परंपरा सहित जो विज्ञान केमिति जड़ित से जिनसक दर्शेचु एवं से भारतीय ज्ञान परंपरा सहित संश्लिष्ट अतिरिक्त कार्यकलाप हाथ में जहाँ करी करी सिखिबे से जिनस रखिचु। पीएम गोटे मेसेज देले जे फास्ट जो कार्यक्रम होता काशी होता जोटा कि प्राचीनतम कथा कह वर्तमान जो भारत भारतम जो जो स्टॉल ले आपण वर्तमान लगे गोटे प्राचीन को मॉडर्न सहित जमी कनेक्ट कले पीएम ये कथि आप एक्जाक्टली जोटा प्रधानमंत्री कहले प्रकार से ही प्रकार जिनस आमर जो जिनस देखा चाहिए जे भारतीय संस्कृति भारतीय विज्ञान यहाँ गोटे हूँ अनइंटरप्टेड माने गोटे अविरत प्रवाह तेणु आम जोटा गोटे आधुनिक टूल्स गुड़ाक आम व्यवहार करी जो पुराणा जिनस केमी आम कर जिनस गुड़ाक आम करा गोटे कथा कहली आम आउ गोटे जिनस करमर जो पठाणी सामंत जो आमर ज्योतिर्विज्ञानी थिले जहाँ को कहुच सिद्धांतिक एस्ट्रोनॉमी रो शेष एक्सपर्ट तांकर जो एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स माने बाहर करिचंती मन करंतु धनुर्जंत्र चापजंत्र मानजंत्र समतल सूर्य घड़ी शंकु एई गुडाकर भी आम तमें छोट छोट मिनिएचराइज भर्सन रे बाहर करने चेष्टा करिचु से गुडाक भी आम आनीचु चारिटा जंत्र आउ आपण ता द्वारा आमर कौन हे आमर जो नेकेड खाली आखिरे जो ज्योतिर्विज्ञानी से आम पिला गुड़ाक ज्योतिर्विज्ञान संपर्क जानपारे खाली आखिरे से माने आकाश तारा देखिकी माने गोटे जो ज्योतिर्विज्ञान विषय जो गोटे ओरिएंटेशन से देवारे से बड़ साहय कर व्यतिरेक माने शिक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय आमर गोटे भाषा केन्द्र जोटा कि दुई वर्ष काम कर ओडिया भाषा रे आम जो पुराणा जिनस अच्छी आप गोटे मुझे देखुची कैवर्त गीता मन करूँ कैवर्त गीतार आमर जो ओडिशा रो मेरीटाइम जो नौवाणिज्य से संपर्क जो जिनस गुड़ाक रही भाया छोट जो पुराणा बही गुड़ाक तार आम छोट छोट बुकलेट तैयारी करूँ रेफरेन्स बुकलेट्स सर आज परिप्रेक्षी में जाना चाहिए एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकिन बर्तमान सब चर्चा हो 34 वर्ष पर आसला आज जो प्रधानमंत्री का आह्वान रहा जमीक जो आम पुरातन शिक्षा को लेकिन मॉडर्न एजुकेशन पर्यटन विश्व में जो आम गोटे डाउनफॉल होता बुस्टअप देखा के बड़ सहायक यहाँ तो बहुत बड़ सहायक हे आज्ञा जो से कही जो आमर गोटे प्रकार जो स्लेव मानसिकता जहाँ को कौन दासत्य मानसिकता आमर जो शिक्षा व्यवस्था जो थी जो आप देखिए 1835 मसीह जो मेकुले प्रवर्तित तो शिक्षा व्यवस्था ये गोटे आमूलचूल परिवर्तन तेणु ये शिक्षा व्यवस्था भारत में गोटे प्रकार एकदम सामग्रिक परिवर्तन आणव जहाद्वारा आम तमें लोक आत्मनिर्भरशील हे भारतीय भाषा विज्ञान हे एवं तापरे आम पाने स्टार्टअप तैयारी करेंगे इनोभेटिव हे नुआ जिनस करेंगे केवल जो स्मृति आधारित जो मेमोरी आधारित जो शिक्षा व्यवस्था से गोटे फुलस्टप पड़ो तेणु प्रधानमंत्री जो जहाँ कही ये पूरा आप देखिए ये गोटे सामग्रिक आमको तमें यही शिक्षा जितेबाला शिक्षित आम हो पा बाहर से आमको निश्चित रूप से जो रही जो परिकल्पना विश्वगुरु हेबार से देखु निश्चित भाव स्कूप बढ़ सर जमी कहते किसी बुक्स नहीं जोटा कि बहुत हेल्पफुल हम देखिए आज का जो एग्जीबिशन है इसकी महत्व ये है कि आज 29 जुलाई हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का समझ लीजिए कि सूचना दिवस है या जन्म दिवस है तो आज हमारा तीसरा सालगिरह है
और इसी सालगिरह को हम एक तरह से सेलिब्रेशन के तौर पे मना रहे हैं। और ये 3 साल के अंदर हमने NEP 2020 के तहत क्या क्या कर लिया उस बारे में हम लोग इसको पेश कर रहे हैं। और हमारा जो यूनिवर्सिटी है, हम लोगों ने इस 3 साल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक तो इंडियन नॉलेज सिस्टम पे बड़ा जोर है, क्योंकि देखिए बात यह है कि हम जानते हैं कि भारत किसी ज़माने में विश्वगुरु था, लेकिन भारत जो विश्वगुरु था वो कैसे था उसी का इतिहास हमको निकालना है, उसी पर रिसर्च हम लोग करेंगे। और इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी में इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक पूरा सेंटर खोल दिया गया है। उसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, संस्कृत में हैं, हिंदी में हैं या दूसरे देशों की भाषाओं में हैं, जो कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि वो उनके अपने मदर टंग में नहीं लिखा हुआ है। तो और हमारे यूनिवर्सिटी जो हमने एक भाषा केंद्र खोला है भारत सरकार के संयोजन से, एवं उसमें ये भाषा केंद्र में हम इन बड़े बड़े पुस्तकों का ट्रांसलेशन करते हैं। उसके साथ साथ 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास के लिए हम लोग टेक्स्ट बुक भी निकाल रहे हैं, जिसके अंदर हम इन सब चीज़ों को उड़िया भाषा में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे इसमें संयोजन है। उसके अलावा हम लोगों ने ये जो भारतीय हेरिटेज है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, हम ये समझते हैं कि एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो आज के भारत की आकृति उसके अंदर सीमित नहीं है, बल्कि जो अखंड भारत था जिसमें अभी पाकिस्तान भी पढ़ता है और बांग्लादेश भी पढ़ता है, उसके अंदर जो है हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बसा हुआ था। और इसलिए हमने ढूंढ ढूंढ के बहुत सारे जितने भी यूनिवर्सिटी सबके बारे में हम लोगों ने विवरण निकाले हैं, उसके फोटोज निकाले हैं और उसके ऊपर हमारा शोध चल रहा है। सर, ये जो बुक्स है ये विदिन सिलेबस है सीबीएसई उड़ीसा या? देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसकी सबसे बड़ी अहमियत जो हमारे जीवन में है वो है कि हम लोग एक सिलेबस के अंदर बंधे हुए नहीं है। इसके अंदर हमको पूरा फ्रीडम है अपने आप को अपना ज्ञान बढ़ाने का, इसलिए हम इसको एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस मान के चलते हैं। इसलिए सिलेबस में जो है उसके अलावा भी बहुत कुछ। अब इतिहास देखिए, अगर मैं विज्ञान का छात्र हूँ, इतिहास मेरे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इतिहास जानना ना केवल मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य भी है कि मैं अपने देश का इतिहास जानूं। तो ये सब इनके तहत है। और आज की तारीख में हमारी यूनिवर्सिटी जो नए चीज़ जिसपे हमारा रिसर्च चल रहा है वो है मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जैसे आपको पता है बाली यात्रा जो उड़ीसा के शोर से कटक से जो बाली यात्रा होता था और हम लोग इंडोनेशिया तक जाते थे, हम ये मान के चलते हैं कि बाली यात्रा का जो बिजनेस एंगल था उसके साथ एक एकेडमिक एंगल भी है, उसी पे हमारा रिसर्च चल रहा है जिसको मैरीटाइम रिसर्च करते हैं। और इसमें हमारा बहुत गहरा संबंध जो है नेवल अथॉरिटीज़ के साथ है, नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के साथ है। और इसमें हम लोग हर दूसरे हफ्ते एक लेक्चर करते हैं जिसको बहुत लोग सुनते हैं भारत भर में। अभी 11-12 हमारे एक्सपर्ट्स के लेक्चर हो चुके हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे अगले साल तक अगली बाली यात्रा तक इस चीज़ पर इतना ज़्यादा हम रिसर्च कर चुके होंगे कि उड़ीसा के जो लोग हैं उनका बड़ा ज्ञान वर्धन होगा ये जानकर कि बाली यात्रा ना सिर्फ एक बिजनेस एंटरप्राइज था बल्कि उसके अंदर बहुत गहरा एक एकेडमिक इन्वॉल्वमेंट भी रहा था। ଏଇଟା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଯୋଉ ଏନ୍ଇପିର ଯୋଉ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଏଭ୍ରି ଇୟର୍, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କାଶୀରେ ହେଇଥିଲା, ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଲେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ କେତେ ୱାଇଡ଼ଲି ମାନେ ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନିସିଏଟିଭ୍। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜିକି ଡେଟ୍ରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି ତାର ଯୋଉ ଗୁଣାତ୍ମକ ଜିନିଷଟାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ସ୍କୁଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ର ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଛାତ୍ରମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏହାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇଭଳିଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଯେଉଁଭଳିଆ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କାଶୀ, ଏଥରକ ଦିଲ୍ଲୀ, ଆରଥରକ ଆଉ କେଉଁଠି, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଆ ହେଉଛି ଏଇଟା ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିଦେବ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତର ବଡ଼ ଆସେଟ୍, ଶିକ୍ଷା ନଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ। तो शिक्षा हूँ प्राइमरी स्टेज ऑफ मानने प्राइमरी स्ट्रेंथ ऑफ आवर एवरी इनिशिएटिव, जो आज प्रधानमंत्री कहले भाषण में आम शिक्षा मंत्री भी कहले जे ये जो आम इनिशिएटिव आम धीरे धीरे एनएपी आम कर चलते लास्ट 3 इयर्स तो यही टाइप इनिशिएटिव नॉट ओनली दिस एनईपी इनिशिएटिव जमी भुवनेश्वर स्किल रही अन्य आड़े भी होची, तो यहीटा डेफिनेटली मंत्री गोटे बहुत बड़ इनिशिएटिव जोटा कि नॉट ओनली मंत्री इवन आम पूरा डिपार्टमेंट रोटे बहुत बड़ इनिशिएटिव जोटा कि आम गोटे एनकरेज करुच्ची कि हाँ यही टाइप इनिशिएटिव आम भी पार्टिसिपेट करूँ। आउ डेफिनेटली आज जी अच्छा कल की डेट्रे आउरी मानते कौन कड़ी वाला सब जोड़े जो सोआ ये जिनसटा को बहुत प्रायोरीटी दूसरी सोआ सोआ मीनस कौन एस फॉर शिक्षा ओ फॉर जॉइनिंग जॉइनिंग वर्ड्स एंड अनुसंधान मीनस रिसर्च,
तो सोआ भी यही दिगरे काम करुच्छी, शिक्षा एवं रिसर्च दिगरे से काम करुच्छी। तेणु शिक्षा आउ रिसर्च हूँ मेन टू फ्यूचर्स इन अल्सो एनईपी, जोटा कि आम प्रधानमंत्री कहते जमी कही जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, तो सही टाइप शिक्षा भी अनुसंधान दिगरे आगे बढ़ुच्छे। धन्यवाद।